हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारी इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटी नंबर के कैंसिलेशन की। कैंसिलेशन की ऑप्शन पहले भी आ गई थी, पर वो उन टैक्स पेयर्स के लिए आई थी जिन्होंने माइग्रेट किया था किसी और टैक्स से जीएसटी रिजीम के अंदर। और अब जो ऑप्शन अवेलेबल हुई है वो उन टैक्स पेयर्स के लिए भी हो गई है जिन्होंने न्यू रजिस्टर किया था खुद को 1 जुलाई 2017 के बाद बिकॉज ऑफ सम रीजन्स। तो अब उनके लिए भी ऑप्शन आ गई है। मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगी कि कौन पर्सन अभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ पर्सन अभी भी हैं जो अभी भी जीएसटी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। और मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कैसे करना है, क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसेस है। तो बने रहे मेरी इस वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूँ आपकी दोस्त पूजा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और लाइक बटन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस आपके लिए बनाते रहने का। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन। तो जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, फॉर्म जीएसटी आरईजी 16 इज नाउ अवेलेबल ऑन जीएसटी पोर्टल। तो आपको कैसे रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना है, फॉर्म जीएसटी आरईजी 16 फाइल करके। और ये है किसके लिए, न्यू टैक्स पेयर रजिस्टर्ड आफ्टर 1 जुलाई 2017 कैन नाउ अप्लाई फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो अब नए टैक्स पेयर्स भी अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं अगर उन्होंने गलती से या किसी ऐसे रीजन की वजह से जीएसटी ले लिया था जो अब नहीं रहा। तो चलिए अब बात करते हैं कौन पर्सन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं अंडर विच सर्कमस्टांसिस कैन अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर फाइल फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। नंबर वन, अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कैन फाइल फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन द अकरेंस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो वो इवेंट्स कौन से हैं ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस और क्लोजर ऑफ बिजनेस। तो अगर आपने बिजनेस ही डिसकंटिन्यू कर दिया है या क्लोज कर दिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं जीएसटी के कैंसिलेशन के लिए। नंबर टू, टैक्सेबल पर्सन सीजेस टू बी लाइबल टू पे टैक्स। तो टैक्सेबल पर्सन अगर लाइबल ही नहीं है अब टैक्स पे करने के लिए तो क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। नंबर थ्री, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ अमलगामेशन, मर्जर, डी मर्जर, सेल, लीज्ड और अदरवाइज। या उनका बिजनेस या तो अमलगामेट हो गया है या मर्ज हो गया है या डी मर्ज हो गया है या सेल ही कर दिया है, लीज पे दे दिया है या कोई और रीज़न है, तो इन केसेस में भी पर्सन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। नंबर फोर, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस लीडिंग टू चेंज इन पैन। बिजनेस में कोई ऐसा चेंज हुआ है जिसकी वजह से अब परमानेंट अकाउंट नंबर ही चेंज हो जाने वाला है, तो उस केस में भी आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर फाइव, रजिस्टर्ड वॉलेंट्री बट डिड नॉट कमेंस एनी बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड टाइम। तो आपने वॉलेंट्री रजिस्टर किया था पर आप अपना बिजनेस उस पर्टिकुलर पीरियड में कमेंस ही नहीं कर पाए जो आपको टाइम मिला था, तो आप अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कैंसिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सिक्स, टैक्सेबल पर्सन नो लॉन्गर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो यहाँ पर उन पर्सन्स की बात हो रही है क्योंकि हमारी जो जीएसटी की टैक्स लिमिट है, पहले क्या था जैसे ई कॉमर्स के केस में ले लेते हैं हम, उन्हें अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर करना ही था वेदर उनकी टर्नओवर 20 लाख से कम भी थी। तो इस तरह के पर्सन यहाँ पर आ जाएंगे जो पहले जीएसटी की रूल्स की वजह से तो यहाँ पर लाइबल थे जीएसटी नंबर के लिए, पर अब बिकॉज ऑफ सम चेंजेस अब उनको जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है, तो वो पर्सन भी अपना जीएसटी नंबर सरेंडर कर सकते हैं। तो अभी हमने बात की कौन पर्सन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कौन पर्सन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली जो बताया गया है, हु ऑल कैन नॉट फाइल फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, द फॉलोइंग पीपल कैन नॉट फाइल फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। नंबर वन, पर्संस रजिस्टर्ड एज टैक्स डिडक्टर्स या टैक्स कलेक्टर्स, दे कैन नॉट अप्लाई फॉर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। नंबर टू, पर्संस टू हुम UIN has been allotted. तो these type of persons cannot apply for the cancellation of registration. पर most important चीज़ जो अभी यहाँ पर आपको specifically नहीं बताई गई है, specifically कहीं भी नहीं लिखा गया है कि अगर आपने voluntary register किया था और अभी आपको 1 year नहीं हुआ है registration लिए हुए, तो आपका cancellation of registration possible नहीं होगा, आपको अभी wait करना होगा। तो ये screenshot दिखा रही हूँ, यहाँ पर क्या होगा अगर आपने voluntary register किया था खुद को GST के अंदर
और अभी आप खुद को कैंसिलेशन के अंदर अगर आप जाएंगे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना अगर आप चाहेंगे तो आपके पास इस टाइप की एरर आ जाएगी, वॉलंट्री रजिस्ट्रेशन कांट फाइल कैंसिलेशन विद इन 1 ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आप एक साल तक अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर पाएंगे अगर आपने वॉलंट्री रजिस्टर किया था। तो यहाँ पर अब हमने बात कर ली कौन पर्सन अप्लाई कर सकते हैं कैंसिलेशन के लिए, कौन पर्सन नहीं कर सकते। तो चलिए अब बात करते हैं आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कैसे करना है। इसके लिए जब आप अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको पता है सर्विसेज की एक टैब है। इस टैब में जब आप आएंगे तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर आएंगे, रजिस्ट्रेशन में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये है ऑप्शन रजिस्ट्रेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपको कर लेना है इस पर क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास क्या अपीयर होगा, एप्लीकेशन का टाइप एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, लास्ट मॉडिफाइड आपने किस डेट को लास्ट मॉडिफाई किया था वो लिखा आएगा, एंड ड्यू डेट टू कंप्लीट भी आपको गिवन होगा। ड्यू डेट टू कंप्लीट इज 28 जनवरी 2018, तो अप्रॉक्सीमेट 15 दिन का आपको टाइम दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको इन वन गो ही अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन प्रोसेस पूरा करना है, आपके पास होगा 15 दिन का टाइम, उसमें आप अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपने ये ऑप्शन चूज़ कर ली और 15 दिन के अंदर अंदर आपने इसे नहीं किया कंप्लीट तो फिर ये वैलिड नहीं होगा, ये इनवैलिडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद यहाँ पर जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन फाइनली अप्लाई नहीं होगा, मतलब आप इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई उसे नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ध्यान रखिएगा, अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी है कैंसिलेशन के लिए। बेसिक डिटेल्स रहेंगी आपकी, जिसमें आपका वही एड्रेस, आपका जीएसटी नंबर, आपका नाम, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ईमेल आईडी आ जाएगी, आपका फ़ोन नंबर, वो ऑलरेडी वो डिटेल्स आपकी फिल होंगी जो आपने उस टाइम पे फाइल की होंगी जब आपने जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई किया होगा। फिर आपको भरनी होंगी कैंसिलेशन की कुछ और डिटेल्स, मैं अभी आपको बताऊंगी वो क्या होंगी, और वेरिफिकेशन। सो सिर्फ 3 टैब आपको यहाँ पे भरने हैं, तो वन बाय वन अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स की बात करेंगे, आपका एड्रेस वगैरह ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होगा, पर आपसे जो चीज़ पूछी जाएगी वो है एड्रेस फॉर फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस। अगर आपका एड्रेस वही है जो ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो एड्रेस पे सेम एज अबव क्लिक करते ही सारा एड्रेस अपने आप फिल हो जाएगा। अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए फ्यूचर के लिए कोई और एड्रेस देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के बाद आपको क्लिक करना होगा सेव एंड कंटिन्यू पर। अब हम बात कर रहे हैं हमारी दूसरी टैब कैंसिलेशन डिटेल की, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कैंसिलेशन डिटेल में रीज़न फॉर कैंसिलेशन कौन कौन से हैं। अभी अभी जो मैंने आपसे रीजंस फॉर कैंसिलेशन डिस्कस किए थे कि कौन पर्सन अपना कैंसिल कर सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन, वही ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं, पढ़ लेते हैं। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस लीडिंग टू चेंज इन पैन, सीज टू बी लाइबल टू पे टैक्स, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस या क्लोजर ऑफ बिजनेस, अदर ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ अमलगामेशन, मर्जर, डीमर्जर, सेल, लीज्ड और अदरवाइज। तो इसमें से आपको अपनी ऑप्शन चूज कर लेनी है जो भी स्पेसिफिकली आपको लगता है कि आपके लिए है या जो भी रीजन है। आपको फिर डालना है डेट फ्रॉम विच रजिस्ट्रेशन इज टू बी कैंसल्ड, तो किस डेट से आप चाहते हैं आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये आपने जो भी जीएसटी की रिटर्न्स है, मतलब अभी तक जीएसटीआर 1 की डेट आई थी हमारे पास, जीएसटीआर 2 की डेट नहीं आई थी, तो मेक श्योर आपने अपनी प्रीवियस रिटर्न्स फाइल कर ली हो, क्योंकि यहाँ पर आपका जो रिटर्न फाइलिंग पीरियड है, जो भी आपने पहला रिटर्न या लास्ट रिटर्न, मतलब कैंसिलेशन से पहले जो लास्ट रिटर्न फाइल किया है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और अगर आपने रिटर्न्स ठीक से फाइल नहीं की होंगी तो फिर वो यहाँ पर नहीं आएगा और आपको कैंसिलेशन में प्रॉब्लम होगी। तो मेक श्योर आपने अपनी प्रीवियस रिटर्न, वेदर वो नील की थी, आपने सारी फाइल की हुई हो, तभी आप रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये थी हमारी टैब कैंसिलेशन डिटेल। अब हम वन बाय वन एक एक ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। जैसे मैं पहले ऑप्शन पे क्लिक कर रही हूँ, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस लीडिंग टू पैन, इस पर क्लिक करते ही कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स यहाँ पर आपसे मांगी जाए। GSTIN ऑफ ट्रांसफरी एंटिटी, तो उसका GSTIN नंबर डालना है जो है ट्रांसफरी एंटिटी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सर्च पे, उसकी सारी डिटेल्स नंबर डाल के जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी, और फिर आपको चेक करके सेव एंड कंटिन्यू करना होगा। आप क्लिक कर लेते हैं दूसरी ऑप्शन पे, सीज टू बी लाइबल टू पे टैक्स, इस पे क्लिक करते ही हमारे पास कुछ फर्दर डिटेल्स के लिए ये टैब्स अपीयर हुई हैं। सबसे पहली जो चीज़ है टैक्स पेएबल ऑन स्टॉक,
तो अगर आपके पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट और कैपिटल गुड्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन द अफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो जिस डेट को आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस डेट तक जो आपके पास इनपुट और कैपिटल गुड्स का स्टॉक है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी होंगी। क्या क्या डालना होगा? इनपुट्स के लिए वैल्यू ऑफ स्टॉक आ जाएगा, कितने इनपुट्स की वैल्यू का स्टॉक है, सेंट्रल टैक्स है या IGST है या SGST है या सेस है, वो आपको डालना होगा। वहाँ पे इस लैंग्वेज का खास ध्यान रखिएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट और टैक्स पेएबल विच एवर इज हायर, वो आपको डालना है वैल्यू इन रुपीस। देन सेकंड है इनपुट कंटेंड इन सेमी फिनिश्ड गुड्स, उनकी भी वैल्यू ऑफ स्टॉक CGST, IGST, SGST या सेस, जो भी है डिटेल एंटर कर दीजिएगा। इनपुट कंटेंड इन फिनिश्ड गुड्स, उसकी डिटेल आ जाएगी। कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी, उनकी डिटेल आ जाएगी और टोटल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको भरना है डिटेल ऑफ टैक्स पेड, पेमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो अगर ऊपर की लाइबिलिटी की वजह से कोई टैक्स पेबल बनता है तो आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से फिर यहाँ पर उसे एडजस्ट करना है, जैसे आप अपनी GST 3B में करते हैं, सेंट्रल टैक्स, IGST, SGST या सेस। आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर बैलेंस होगा तो वह यहाँ से पिक हो जाएगा, ये अवेलेबल बैलेंस दिखाएगा, यहाँ पर अभी जीरो आ रहा है। अगर आपका कोई बैलेंस होगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा और उससे आप उसे एडजस्ट कर पाएंगे। पेमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, वो कैश लेजर था और ये क्रेडिट लेजर है, बस अवेलेबल हो जाएगा और आपको यहाँ से सेट ऑफ कर देना होगा सब। तो ये सेट ऑफ करने के बाद आपको क्लिक करना होगा सेव एंड कंटिन्यू पर। तो यहाँ पर हमने की बात दूसरी ऑप्शन की, सीज टू बी लायबल टू पे टैक्स। तो अगर आप ऐसा करके अपना GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं तब भी आपको अपने स्टॉक में जो भी आपका या तो टैक्स पेबल बनता है या ITC है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको साथ साथ देनी होगी। तो अपने स्टॉक की सारी डिटेल्स आपको पहले तैयार कर लेनी होगी। फिर है तीसरी ऑप्शन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस और क्लोजर ऑफ बिजनेस, उस पर क्लिक करते ही भी सेम ऑप्शंस आ रही हैं जो भी मैंने आपको पहले डिस्कस की, उन्हें भी इसी तरह से अपने स्टॉक की डिटेल्स बनाते हुए सभी डिटेल्स को यहाँ पर एंटर करने के बाद अपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना होगा। फिर हम बात करते हैं कोई और अदर मेरा रीज़न है, तो अदर रीज़न के केस में आपको स्पेसिफाई करना होगा और वही डिटेल्स स्टिल उनके लिए भी अवेलेबल है तो वो सारी डिटेल्स फिल करते हुए, अगर नहीं है तो आप जीरो करके इसे सेव कर लीजिएगा। और अदर रीज़न क्या है वो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा। अदर के बाद है लास्ट रीज़न ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ अमलगामेशन मर्जर डीमर्जर से लीज्ड और अदरवाइज, इस पर क्लिक करते ही कुछ नहीं, सिंपल आपको GST नंबर ऑफ ट्रांसफरी एंटिटी डालना है, सर्च करते ही उनकी डिटेल आ जाएगी और आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हमने पांचों ऑप्शन डिस्कस कर ली कैंसिलेशन की। अब चले जाते हैं हमारी लास्ट टैब जो है हमारी वेरिफिकेशन टैब। इस पर क्लिक करते ही आपको अगर आपने सभी डिटेल्स फिल करनी है तो सबसे पहले यहाँ पर ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपकी प्रोफाइल पर यहाँ पर 100% आना चाहिए। अगर 100% नहीं होगी तो आपके पास ई वेरिफिकेशन का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं होगा। तो आप एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, वेरिफिकेशन सिंपल है जैसे आप अपनी रिटर्न्स की करते हैं उसी तरह से आपको सिंपली अपनी वेरिफिकेशन करनी है। DSE इज़ कंपल्सरी फॉर कंपनीज एंड LLP, तो अगर आप कंपनी की तरह रजिस्टर्ड हैं या LLP की तरह तो आपको डिजिटल सिग्नेचर्स के थ्रू ही अपना वेरिफिकेशन करना होगा और पर्सन्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन की ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये था आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का सारा प्रोसेस। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो कमेंट करके मुझे बताना मत भूलिएगा। वैसे आपको एक बार रिकॉल कराने के लिए कि अगर आपने वॉलेंट्री खुद को रजिस्टर कराया था तो अभी आप अपना GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर पाएंगे 1 ईयर तक। आपको मैंने स्पेसिफिकली एक स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर डालकर दिखा दिया है। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है किसी वजह से आपका कैंसिलेशन नहीं हो पा रहा तो मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा अपनी क्वेरी, मैं ट्राई करूँगी उसे रिजॉल्व करने की। किसी भी तरह का सजेशन है मेरे चैनल के लिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपकी कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। CA गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा हमारे चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके लिए इंपॉर्टेंट है उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है हमारे चैनल को तो आपका दिल से थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।